Hey guys, welcome back to my channel. मेरा नाम है आशुतोष. आज के लेसन में हम लोग को एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मैं बता देता हूँ. हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज कितना दिया है 36 मीटर. फाइंड द डिमेंशंस ऑफ द गार्डन. यानी कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसका जो पेरीमीटर है इसका आधा यानी कि पी बाई टू पेरीमीटर का हाफ दिया है. कितना है वो गिवन है हमें 36 मीटर्स. हमें क्या निकालना है इस गार्डन के डायमेंशंस, यानी कि हमें लेंथ लेंथ ब्रेथ और ब्रेथ या फिर विड्थ बोल सकते हो. अगर हम यहाँ पे लेंथ को मान ले एल, एल ही लेते हैं. लेट लेंथ बी एल, ठीक है. लेंथ को हमने एल मान लिया है या हाँ ठीक है. और लेट ब्रेथ या फिर विड्थ बी एल माइनस फोर. अब मैंने एल माइनस फोर क्यों लिखा, क्योंकि अब क्वेश्चन में आप देखोगे क्वेश्चन में गिवन है कि जो इसका लेंथ है वो चार ज्यादा है इसके ब्रेथ के. यानी कि अगर ब्रेथ इसका 2 होगा तो इसका लेंथ 6 होगा. यानी कि चार ज्यादा है इसका ब्रेथ, इसका लेंथ इसके ब्रेथ से. तो अब आप अगर आगे देखोगे, मैं एक लाइन बना जिससे आपको क्लियर हो कि मैं इसमें बना रहा हूँ, ठीक है. देखेंगे आप कि 36 मीटर दिया हुआ है पेरीमीटर का आधा, यानी कि इतना वाला पार्ट, इतना जिसमें एक लेंथ और एक ब्रेथ आ रहा है. तो क्या हो जाएगा एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 36 गिवन है. एक ब्रेथ, एक्सक्यूज मी, लेंथ हमने एल लिया है तो एल ही लिखेंगे. ब्रेथ हमने एल माइनस फोर लिखा तो एल माइनस फोर लिख देंगे इज इक्वल्स टू 36 हो जाएगा. 2L इज इक्वल्स टू 40 हो जाएगा. L इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा. इसे 1 मान लेंगे तो इस फिर इसे हम पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, ठीक है. L माइनस फोर में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 20 माइनस फोर इज इक्वल्स टू 16. यानी कि जो ब्रेथ है दैट इज इक्वल्स टू 16. दोनों को ऐड करोगे तो 36 मिलेगा, है ना. तो मैं पूछ रहा डायमेंशंस क्या है. तो बोथ द लेंथ्स विल बी 20 मीटर्स एंड द बोथ द ब्रेथ्स विल बी 16 मीटर्स. 20 मीटर, 16 मीटर, 20 मीटर एंड 16 मीटर. ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन. मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ ब्रीफ में. इसमें दिया था कि पेरीमीटर इस रेक्टेंगुलर गार्डन का आधा दिया हुआ था, पेरीमीटर का आधा. तो कितना हो जाएगा, जो पेरीमीटर होता है उसका मैं बता देता हूँ. रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है पी इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी. अब पी बाई 2 कर दिया है तो इधर भी 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा पी बाई 2 इज इक्वल टू एल प्लस बी, ठीक है. अब यही एल प्लस बी को हमने देख दिया है क्या, L को लेंथ को हमने L मान लिया है और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है. तो क्या लिख दिया हमने ब्रेथ को, ब्रेथ को हमने मान लिया L माइनस 4, ठीक है. फिर हमने क्या किया L प्लस B इज इक्वल टू 36 मैंने अभी आपको बताया. उसके बाद L हमने जो लिया था उसको पुट कर देंगे यहाँ पर L. फिर जो हमने ब्रेथ लिया था जो था L माइनस 4 वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, जो हमने 36 लिख दिया. फिर L प्लस L 2L हो गया, माइनस 4 जो प्लस हो गया तो 2L इज इक्वल टू 40 हो गया. L इज इक्वल टू 20 हो गया तो इसका लेंथ हो जाएगा 20 और ब्रेथ हो जाएगा 16. 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16. तो इसके सारे डायमेंशंस हो जाएंगे. ये है आपका लेंथ, ये है ब्रेथ, फिर से लेंथ, फिर से ब्रेथ, ठीक है. देख सकते हो मैंने आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से बता दिया है. अगर आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो. आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब. अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में. चलिए बाय बाय.